आ गए वापस वो लोग जो 2013 से सबको एंटरटेन कर रहे हैं। फुकरे की तीसरी पार्ट आ गई विद मच प्रॉमिस, क्योंकि प्रोमोस काफी इंटरेस्टिंग थे, पर फिल्म कैसी है चले जानते हैं फुकरे 3 के रिव्यू टाइम के साथ। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। फुकरे 3 कहानी है, चार फुकरों की एक्चुअली 5 की थी, पर अनफॉर्चुनेटली अली फजल वापस नहीं आ पाए इस फिल्म के लिए, पर उन पर दो क्लेवर नॉड्स है, एक डायलॉग के द्वारा एक आखिर में डायरेक्ट नॉड, आप समझ जाएंगे। पर्पल के सम्राट एज हनी, मनजोत सिंह एज लाली, पंकज त्रिपाठी एज पंडित जी और सबका फेवरेट चूचा वापसी कर रहा है तीसरी पार्ट में, और वो फिर से फेस कर रहे हैं अपने आंख नेमेसिस और चूचे के दिल के प्यार ऋचा चड्ढा के किरदार भोली पंजामन को। अगर आप भूल गए कि पिछले दो फिल्मों में क्या हुआ, तो बिगिनिंग क्रेडिट्स में एज अ रिकैप एक गाने के द्वारा बताया जाता है बड़े क्लेवरली। कहानी कुछ ऐसी है कि भोली खड़ी हो रही है इलेक्शन में, पर फुकरे दिल्ली को भोली की कहर से बचाना चाहते हैं, इसीलिए चूचा को उसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। उसके बाद कहानी साउथ अफ्रीका पहुंच जाती है, थोड़ा साइंस ऐड करती है, कुछ नए फंडे डालती है जिसके रिटर्न्स हिलेरियस हैं। प्री इंटरवल पोर्शन तो बहुत हंसाती है, एक सीन जहां भोली नामांकन भरने जाती है और उसका असली नाम सबको मालूम पड़ता है, बहुत गिगली गिराएगा सबको। फिर प्लेन में चूचा और एरोसिस के बीच सीन हंसा हंसा के पागल कर देगा। फिर इंटरवल के बाद फिल्म वापस इंडिया आती है, वाटर माफिया और पानी के प्रॉब्लम पर फोकस डालती है, और एक स्ट्रेंज मगरमच्छ पालते हुए विलन जो शायद शाकाल से प्रेरित है उस पर कुछ ज्यादा ही फोकस करती है, और ये अननेसेसरी एडिशन सब कुछ डुबा देता है। इस पोर्शन में भी एक सीन है जहां हनी भोली को कन्फ्रंट करने आता है, वहां मनजोत की चाय बनती है, वहां मनजोत भोली के अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स और पंकज त्रिपाठी की तिकड़ी हिलेरियस है, और इसी सीन से मालूम पड़ता है कि इलायची का इंग्लिश नाम कार्डामॉम है। पंकज त्रिपाठी ने ये सब मुझे लगता है इम्प्रोवाइज ही किया होगा, और इसमें ऋचा चड्ढा अपना इम्प्रोवाइजेशन ऐड करती है। अगर किसी को कॉमेडी देखनी है तो ये सीन देखनी चाहिए कि एक्टर्स किस तरह एक सीन को बना सकते हैं। पर इस पोस्ट इंटरवल पोर्शन में ये एक ही सीन है जो इतना हंसाती है, स्पेशली प्री इंटरवल पोर्शन के बाद जहाँ एक्सपेक्टेशंस तो बड़े थे, बाकी सब चूचे के मुंह की तरह चलती जाती पर इम्पैक्ट नहीं करती इस पोस्ट इंटरवल पोर्शन में। राइटर विपुल विक की कहानी इनकंसिस्टेंट है, कई चीजों को छेड़ती है, पर फोकस सिर्फ भोली वर्सेस फुकरों पर ही होना चाहिए था तो मजा आता। पिछले दो पार्ट्स पर क्लेवर रेफरेंसेस है, एक में तो चूचा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके थुलथुले पेट के अंदर जो बच्चा है वो है किसका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नंदू की कसम, क्योंकि ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है तो उनके प्रोजेक्ट्स के कुछ रेफरेंसेस है, जैसे जिंदगी मिलेगी ना दोबारा और मिर्जापुर के किरदार कालीन भैया जो पंकज त्रिपाठी का किरदार है उस सीरीज में। पुलकित सम्राट एक इम्प्रूव एक्टर है जो रिएक्शन अच्छा देते हैं बाकी ये बेवकूफियों का। ऋचा चड्ढा तो इस रोल में फुल ऑन एंजॉय करती है, पर इस फिल्म के असली धड़कन है त्रिपाठी साहब, मनजोत सिंह और वरुण शर्मा। त्रिपाठी साहब तो इस जॉनर के राजा हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि कई लाइन इम्प्रोवाइज है, कार्डामॉम तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। मनजोत सिंह की चाय की रेसिपी हंसा हंसा के लोटपोट कर देगी, और उनका वरुण के साथ केमिस्ट्री इज टू गुड। पर वरुण शर्मा जो फेमस हुए थे इसी किरदार के साथ, वो इस फिल्म के असली हीरो है, उनकी बेवकूफिया इस फिल्म का प्लॉट पॉइंट बनाती है, और वरुण ने इस रोल में पीएचडी कर ली है। जो एक्टर्स भोली के बॉडीगार्ड्स बने हैं उनका रोल अच्छा है, और दोनों बहुत अच्छे हैं इस फिल्म में। फुकरे 3 को मैं देना चाहूंगा एक ग्रेशियस 3 out of 5, डेफिनेटली हंसाती है। आजकल बहुत कम कॉमेडीज कर रही है ये चीज हंसाना, पर बीच में बहुत पोर्शन बोर भी करती है। मेकर्स को सिर्फ फुकरे वर्सेस भोली पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग पुलकित, ऋचा, मनजोत, वरुण, पंकज ही इस फ्रेंचाइज के असली चू हैं, बाकी सब चा हैं। समझे कि नहीं? रीसेंट वीडियो जैसे टाइगर 3 का टीजर ब्रेकडाउन आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और इसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।